हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ अमन शर्मा फ्रॉम करियर फोकस इंस्टीट्यूट। जैसे आप लोगों को पता ही है कि कल की JKSSB की एडवर्टीजमेंट नंबर 5 आई हुई है, जिसके अंदर काफ़ी सारी पोस्ट इन्होंने आप लोगों के लिए लाई हैं, जिसमें आपके जल शक्ति डिपार्टमेंट में 163 पोस्ट इन्होंने अनाउंस की है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में 198 अनाउंस की हुई है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इन्होंने 101 अनाउंस की हुई है। जिसके साथ अगर आप ध्यान से देखें तो आप लोगों के लिए जो पोस्ट निकल के आती हैं ओवरऑल, वो पोस्ट निकल के आती हैं 462। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के साथ एक क्लियर बात कर लूँ मैं, फॉर्म की जो इन्होंने डेट दे दी हुई है आपको कि भाई 9 तारीख से आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, फिल कर सकते हो। लेकिन अगर ध्यान से आप लोगों को पता हो तो भाई अभी रिसेंटली इन लोगों ने फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म फिल करवाए हैं, फॉर्म की लास्ट डेट भी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन स्टिल अभी तक सिलेबस इसका रोल्ड आउट नहीं है। तो JKSSB का ये पुराना ही है कि भाई फॉर्म फिलिंग डेट्स भी ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन आप लोगों का सिलेबस रोल्ड आउट नहीं होता है। तो एज़ पर द पोस्ट अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पोस्ट हैं ये दी हैं इन्होंने जल शक्ति डिपार्टमेंट में, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। तो इसका हमने एक एक्सपेक्टेड सिलेबस बनाया हुआ है, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है JKSSB कंडक्ट करवा रहा है। तो JKSSB का आप रिसेंटली अगर एग्ज़ाम देखोगे, जो ये जिनका सिलेबस रोल्ड आउट है, ऐसे ही पोस्ट के साथ कुछ सिमिलर पोस्ट हैं, जैसे कि आपका एनिमल हस्बेंड्री है, स्टॉक वेटनरी का आपका फॉर्म आया था। ठीक है, जो आपका रेगुलर इसके अंदर सिलेबस रहता है वो किसके अंदर रहता है आपका, एक तो आपका मैथ्स होगा, ठीक है, रीजनिंग इन्होंने रखनी है, प्लस आप लोगों का इंग्लिश होता है, कंप्यूटर आजकल इन्होंने मैंडेटरी कर दिया, क्योंकि आप लोगों को पता ही है जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं आजकल सभी के सभी ऑनलाइन जा रहे हैं। ठीक है, आजकल जितने पहले फाइल सिस्टम होता था आजकल वो भी ख़त्म है। तो ये चाहेंगे कि भाई जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करे उसका जो भी यहाँ पे क्राइटेरिया रहेगा वो कंप्यूटर बेसिक्स पे तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे भी मेरे को लग रहा है मैंडेटरी ही रहेगा कंप्यूटर, तो कंप्यूटर इसमें इंक्लूड कर सकते हैं बेसिक नॉलेज के साथ। मोस्ट प्रोबेबली 10 मार्क्स का यहाँ पे, 10 to 15 मार्क्स का कंप्यूटर इंक्लूड होगा। इंग्लिश तो आपका रहेगा रहेगा, प्लस आपका मैथमेटिक्स, ये आपका 10 मार्क्स का 20 मार्क्स का हो सकता है। अब मेन चीज़ आती है आपकी GS। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो रिसेंटली इन्होंने जितने भी सिलेबस थे आप लोगों के लिए लाए हैं, जैसे आपको पता होगा कि आपका कॉरपोरेट डिपार्टमेंट में निकला था, ठीक है, तो वहाँ पे इन्होंने क्या किया, GS ऑलमोस्ट 80% जो GS थी ना आप लोगों की, 80% GS इन लोगों ने आपकी रखी थी किसके ऊपर, जो हम लोग हर एक एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, ठीक है, वो GS रखी थी। और इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा इंक्लूड करके इन्होंने दे दिया कि भाई आप लोगों का कम से कम, मेरे को लगता है सिर्फ 20% ही होगा जो इन्होंने कॉरपोरेटिव डिपार्टमेंट का सिलेबस रखा था GS के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो सब अभी आपका सिलेबस रोल्ड आउट होगा, ठीक है, ये मैं आपको एक्सपेक्टेड सिलेबस बता रहा हूँ। तो ये जो एक्सपेक्टेड सिलेबस होगा आपका, ये सिलेबस रहने वाला है आपका जनरल GS होगा। ठीक है, पेपर ये कोई खास एग्ज़ाम्स या मतलब काफ़ी अच्छी पोस्ट के लिए तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ पोस्ट तो रोल्ड आउट हुई हैं, तो इनका जो सिलेबस रहेगा ना वो आपका नॉर्मल सिलेबस ही रहने वाला है, कोई हाई फाई कोई अलग से सिलेबस नहीं आएगा। हाँ, जो आपका एक होता है डिपार्टमेंट स्पेसिफिक सिलेबस होता है ना वो डाला जाएगा, लेकिन यहाँ तक मैं अपनी एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ कि वो भी 20 मार्क्स से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने अकाउंट असिस्टेंट का फॉर्म भरा होगा फाइनेंस का, तो आप लोग जानते हो भाई आजकल अकाउंट्स में उन्होंने सिर्फ 20 मार्क्स का किया। क्यों किया कम उन्होंने अकाउंट्स, क्योंकि भाई पता है कि भाई एक तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, सभी बच्चे तो इस फील्ड के आए ही नहीं होंगे, ठीक है, और हम लोगों ने जो एजुकेशन किया हमें तो नहीं लगता कि वहाँ पर इन्होंने कहीं पर ऑप्शनल में ये सब सब्जेक्ट्स पढ़ाए होंगे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, उस अपने सिलेबस को कन्फाइंड ही वहीं पे रखते हैं, बाकी जो होता है एक रेगुलर सिलेबस देते हैं ताकि बच्चों को पढ़ने में आसानी हो, उसके रिलेटेड स्टडी मटेरियल ढूंढने में आसानी हो। ठीक है, तो आप लोग इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, वेट मत करो कि भाई JKSSB कब इसका ऑफिशियल सिलेबस रोल्ड आउट करता है। ठीक है, एक जनरल अपना GS पढ़ना स्टार्ट करो, इंग्लिश स्टार्ट करो, कंप्यूटर स्टार्ट करो, ठीक है, मैथ्स स्टार्ट करो, मैथ्स के बेसिक स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो बाकी वेट करते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट सिलेबस कब तक आता है। तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता दूं कि भाई यहाँ पे इन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ है, वो क्राइटेरिया क्या है कि भाई आप लोग सभी के सभी जो इस फॉर्म को अप्लाई करोगे वो सभी के सभी ग्रेजुएट्स होने चाहिए, ये 10+2 के फॉर्म्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है
कि मिनिमम ग्रेजुएट मिनिमम जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी आपकी रखी गई है, वो ग्रेजुएशन रखी गई है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं कुछ पॉइंट्स हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। सेकंड सेकंड वाला जो आपका है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से रखना, इसको आप पढ़ लेना ध्यान से, ठीक है, ये आपका मैंडेटरी है। बाकी रही बात आप लोगों की, जो बच्चे अभी फाइनल ईयर्स में हैं, तो वो सब जो हैं वो भी कर सकते हैं। बस ये इनका जो मेन चीज़ है कि जो भी आप फॉर्म अप्लाई करोगे ना, जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तब आप लोगों का रिजल्ट आउट हो गया होना चाहिए, या फिर रिजल्ट आउट नहीं है तो आपके एग्ज़ाम्स का जो होता है ना, एग्ज़ाम्स का रिजल्ट, डिग्री हाथ में नहीं भी है आप लोगों की, एग्ज़ाम का रिजल्ट आप लोगों का आउट हो चुका होना चाहिए, ताकि उसी समय आप उसी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपका अप्लाई करने का, चाहे आपने पेपर दिए हो और रिजल्ट आउट नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। बाकी जो इसके अंदर एक मेन चीज़ मैंने आपको बतानी थी, मैं एक सेकेंड आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेता हूँ उसके। ओके, तो मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा था, अब जो ये पोस्ट है आपकी, ये आपकी आई हुई है अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। तो सबसे पहली अब जो है आपकी जल शक्ति की, ठीक है, तो जल शक्ति में मैं बता देता हूँ, देखो स्टूडेंट्स बाद में कन्फ्यूज़ होंगे, तो ये जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट है, जो कि 163 है आपके लिए, ठीक है। डिफरेंट कैटेगरीज में इन्होंने डिवाइड की हुई है, और जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, तो मैं बता दूं कि भाई कौन कौन अप्लाई कर सकता है। पहला डिप्लोमा वाला स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने पर्टिकुलरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, डिप्लोमा वाला स्टूडेंट जिसका 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट है सिविल इंजीनियरिंग में, वो अप्लाई कर सकता है। और आपका ऑब्वियसली ग्रेजुएट तो भाई हर जगह अप्लाई करता ही करता है, तो जिन्होंने बीटेक करी हुई है वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका आता है हॉर्टिकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में ये टेक्नीशियन है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन, तो हॉर्टिकल्चर में आपका जो आ रहा है वो आ रहा है हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन में। तो इसके अंदर क्लियर कट आप लोगों का जो इन्होंने मेंशन किया हुआ वो ज़रा ध्यान से देख लेना, 10+2 फर्स्ट ईयर बेसिक हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग पास्ड होनी चाहिए आपकी किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। तो मतलब कि इन लोगों ने मांगा हुआ डिप्लोमा, इन लोगों ने डिप्लोमा मांगा हुआ है आपका किसी पर्सनल, किसी पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वहाँ से आपको डिप्लोमा 2 साल का प्रोवाइड होना चाहिए। फिर सिमिलर वे में आपका ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए था, सांबा के लिए भी सेम इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। सिमिलर कठुआ डिस्ट्रिक्ट के लिए, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए, रियासी, डोडा सेम पोस्ट हैं, किश्तवाड़, रामबन, राजौरी, पुंछ, श्रीनगर, गांधरबल, बडगाम, अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम, बारामूला, कुपवाड़ा, आपका बांडीपोरा, शोफियाँ। और अब नेक्स्ट आप लोगों की आती है ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फार्मर वेलफेयर, तो इसमें आपका दिया हुआ जूनियर स्टेनोग्राफर, ठीक है। सिर्फ एक पोस्ट है, और आपका किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से बस आपकी एकेडमिक ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है, और टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से, ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसमें आप लोगों का ऑब्वियसली एक रिटन एग्ज़ाम होगा, तो दूसरा आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोगों का आता है सिमिलर आपके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, डिवीजन कश्मीर के लिए और डिवीजन जम्मू के लिए। फिर आपका ये एक पोस्ट है जम्मू के लिए बताइए मैंने, ठीक है, यूटी के लिए एक पोस्ट है जिसमें डिवीजन जम्मू के पास एक है, डिवीजन कश्मीर के पास एक है, तो यूटी के पास टोटल 2 पोस्टें आ रही हैं इसकी जूनियर असिस्टेंट की फार्मर वेलफेयर की, ठीक है। अब इन्होंने अलग अलग लेवल्स में इसको डिवाइड कर करके इन्होंने पोस्टें बढ़ाने की कोशिश की हुई है। तो अब देखिए जो लेवल 4 के लिए इन लोगों ने लाई है वो जूनियर असिस्टेंट आई है आपकी, 18 पोस्ट है, ठीक है, सेम टाइपिंग टेस्ट तो होने ही वाला है। फिर उसके बाद आप लोगों का आता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, उसके लिए भी 12 पोस्टें हैं आपकी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फार्मर वेलफेयर 5 पोस्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फार्मर वेलफेयर इसके अंदर सेम फील्ड असिस्टेंट के लिए ये आपकी पोस्टें आई हैं, 8 पोस्टें आई हुई हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको नॉर्मल बीएससी होनी चाहिए, वो भी साइंस में, नेचुरल साइंस में आपने करी होगी, ठीक है, तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। सिमिलर वे में जो आप लोगों का आएगा कि एकेडमिक सेशन बीएससी का आपका नेचुरल, ये मतलब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से इन्होंने अलग अलग से करके दिया हुआ है, काफ़ी बड़ा इन्होंने दिया हुआ है इसका डिटेल। अच्छा, तो नेक्स्ट इसका आता है आपका सीड एग्जामिनर का, ठीक है, तो सीड एग्जामिनर में आपके डिवीजन कश्मीर के लिए 12 और डिवीजन जम्मू के लिए 11 पोस्टें हैं, तो इसके अंदर आप लोगों का चाहिए भाई वापिस से साइंस और टेक्निकल आपको सेकेंड होना चाहिए कि भाई टेक्निकल सेरिकल्चर कोर्स आपका है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल ये देखा जाए तो मतलब कि मिला जुला ही इन उन लोगों ने सिलेबस डाला हुआ, ये ड्राइवर की पोस्ट है, ठीक है,
तो मिला जुला सिलेबस डाला हुआ है कितनी पोस्ट के लिए, 462। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और क्लियरली बता दूं कि भाई, अब आप लोग बोलोगे सर आपने तो बताया कि एक्सपेक्टेड सिलेबस ये है आपका, तो मैं आप लोगों को बता रहा था जूनियर असिस्टेंट के लिए, ठीक है। बाकी जो आपकी ये ड्राइवर वगैरह के लिए पोस्टें आई हुई हैं या जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए आई हुई हैं, हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन के लिए आई हैं, तो इनमें आपका यही सिलेबस रहने वाला है, सिवाय एक जेई वालों के लिए जिनका आपको पता ही है ऑब्वियसली इनका तो रहने, टेक्निकल सब्जेक्ट्स तो रहने ही रहने वाले हैं, ठीक है। इनका अपना पर्टिकुलर इनके हिसाब से चलना है, पेपर वन पेपर टू का भी कोई पता नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग ही तैयारी करो, ठीक है। बाकी एज सच ये आपका टोटल डिटेल्ड है, वेट करते हैं नोटिफिकेशन का, क्या पता और थोड़े JKSS भी बता दे डिटेल में, अगर सिलेबस रोल्ड आउट कर देता है तो फिर तो बेस्ट है, फिर तो आप लोग इजीली इसको कर सकते हो, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।